अफरीदी ने उगला भारत के लिए जहर, नजम सेठी पर भी भड़के अफरीदी। एशिया कप की मेजबानी का मसला अब तक हल नहीं हुआ है। बीसीसीआई ने पाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट की सूरत में टीम इंडिया को भेजने से इनकार कर दिया है। इसके बाद से ही टूर्नामेंट कहां आयोजित होगा इसे लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कभी हाइब्रिड मॉडल तो कभी इंग्लैंड में एशिया कप कराने की वकालत कर चुके हैं। शाहिद अफरीदी ने एशिया कप की मेजबानी को लेकर पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी के बार बार बदलते बयान को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की है। साथ ही अफरीदी ने एक और बड़ी बात कही है। अफरीदी के मुताबिक पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए भारत जरूर जाना चाहिए। अफरीदी ने समा टीवी के एक शो पर कहा, नजम सेट्टी को ये समझना चाहिए कि पीसीबी के चेयरमैन की कुर्सी बहुत बड़ी है और उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें बार बार अपना रुख नहीं बदलना चाहिए। वो एशिया कप को लेकर बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। अब उन्होंने एशिया कप को इंग्लैंड में कराने की बात कह डाली। उन्हें हर जगह इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। अफरीदी ने उमर को लेकर भी पीसीबी चेयरमैन नजम सेट्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चेयरमैन एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके इरादे फौलादी हों और जो किसी भी मुद्दे पर अपना रुख साफ रखे। उन्होंने आगे कहा कि पीसीबी के चेयरमैन बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। हमें तो अपनी टीम भेजनी चाहिए और उन्हें ये साफ कहना चाहिए कि भारत में विश्व कप खेलने जाओ और ट्रॉफी जीत कर लाओ। सारा मुल्क आपके पीछे खड़ा है। भारत में जाकर विश्व कप जीतने से बड़ा क्या होगा, यह एक तरह का तमाचा ही होगा। बता दें कि बीसीसीआई का शुरू से ही रुख साफ है कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप होगा तो टीम इंडिया वहां खेलने नहीं जाएगी। इसलिए बीसीसीआई सचिव जयसार न्यूट्रल वेन्यू पर टूर्नामेंट की बात कह चुके हैं, लेकिन पीसीबी पाकिस्तान में ही टूर्नामेंट कराने पर अड़ी है। बात ना बनती देख उसने हाइब्रिड मॉडल की वकालत की। इसके तहत भारत के मुकाबले पाकिस्तान के बजाय दुबई या कहीं और कराने का फॉर्मूला दिया। लेकिन बीते हफ्ते पीसीबी चेयरमैन ने इंग्लैंड में एशिया कप कराने का सुझाव भी दिया। उनके इस सुझाव का पाकिस्तान में ही विरोध हो रहा है।